हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी ये आप देख सकते हो ना, किचन की जो हम कर रहे हैं सफाई। तो चलिए भी करते हैं सारा सामान ना। आप देख सकते हो तो ना ज़्यादा फैला हुआ, तो चलिए भी सफाई कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलिए फिर जो है कर लेते हैं। लगभग आधा साफ हो चुका है, आधा बचा हुआ है, तो इसको भी मुझे कर लेते हैं। क्योंकि अच्छे से सफाई ना दिवाली में की थी तो अभी हो गई। सामान में लाए हुए थे ज़्यादा सारी पड़ी थी, खराब खराब चीज़ें भी वो हटा दी। तो अभी ना आप देख सकते हो ये सारा फैला हुआ है, तो नीचे का थोड़ा सा ना साफ़ कर दिया, तो ऊपर का भी अब जो है साफ़ कर लेते हैं। तो अभी ना बना रहे हैं मटर। तो यहाँ पर ना किचन की सफाई करने के बाद में काफ़ी थक गए थे, फिर खाना बनाया, फिर उसके बाद में ना आराम किया था, फिर शाम को ये चाय बना रहे थे तो उसके साथ में बनाई थी हमने ये मटर, हरी मटर की नमकीन बनाई हुई थी। तो बस लहसुन प्याज जीरा डाला और जो है मटर डाल दी, नमक डाल देंगे और पका लेंगे, तो ये हमारी मटर चाट जो है बन जाएगी। तो अभी ना नमकीन जो हमारी वो बन चुकी है मटर की, तो इसमें डाल देंगे हरी धनिया। तो यहाँ पर ना बना रहे हैं चाय, और चाय में डाल दी है मतलब पानी चाय के लिए रख दिया, उसमें डाल दिया अदरक और चाय की पत्ती। तो इसको जो है खोलने देंगे ना और गुड़ की चाय बनाएंगे। तो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि गुड़ की चाय जो हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो है हमारी गुड़ है, तो गुड़ आप देख सकते हो ना, ये ना गुड़ का जो है चूरा होता है वो है। तो इससे ना चाय मतलब ये है कि ये जो है जल्दी से ये पिघल जाती है चाय में। तो अभी ना चाय हमारी जो है खोलने लगी है पानी, तो इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर ना चाय भी हमारी जो है खोल चुकी है, 2 मिनट ना खोला लेंगे अच्छे से तो अच्छी हो जाएगी। तो अभी ना चाय जो हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, तो जो है अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब जो है गैस बंद कर देंगे और इसमें ना गुड़ डालेंगे। सब जो है हम इसको पकाएंगे नहीं, अगर इसको हम दोबारा से गैस चलाकर पका देंगे तो ये जो है चाय हमारी फट जाएगी। ले जाओ। यहाँ पर चाय हमारी जो बन चुकी है, और इसके बाद में हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, फिर दूसरे दिन का हमारा ये वीडियो था। तो अभी जो हम बालों में लगाने जा रहे हैं मेहंदी, तो हमने ना ये मेहंदी ले ली, तो इसमें भी ना 3 पैकेट लगाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर ना इसको सबसे पहले जो है पानी में घोल देते हैं, बस सिंपल तरीके से ही है।
तो चलिए अभी ना इसको हम धो लेते हैं। तो बस इसको हम ऐसे पानी में ही धो लेंगे। यहाँ पर ना ये बर्तन धुले हुए थे तो वही जो रखे हुए। हम जो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से लगा लेते हैं। जो है हमने मेहंदी ले ली, निकाल ली है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, थोड़ा पानी अगर डालेंगे ना तो इसके जो है गुठलियाँ जो है इतनी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बना लेती हैं। तो ये ना रेड वाली मेहंदी है जिससे ना बाल रेड हो जाते हैं, काली वाली मेहंदी नहीं है ये। अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा। इसमें ना ये 2 चम्मच जो है आंवला पाउडर डालेंगे, तो इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको जो है आधे घंटे के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद में जो है बालों में लगाएंगे। चलिए फिर इसे जो है हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो अच्छे से जो है मिला लिया। तो अभी ना ये मेहंदी को जो हमने घोल दिया, तो इसको ना रख देंगे तब तक जो है थोड़ा सा किचन जो हमारा जो है, फिर इसको जो है सही कर लेते हैं। चलिए फिर मेहंदी जो है लगाते हैं, तो ना हाथों से ही लगाएंगे, चम्मच जो है हटा देते हैं। तो अभी ना मेहंदी जो है हमने वो लगा ली है, और आपको दिखाते हैं ना हाथ इतने ज़्यादा हो गए काले। पर से ना धूप लग रही है, बहुत ज्यादा कलर हो गए, पर ये ना साफ भी हो जाते हैं, अगर कपड़े धुल दो ना तो फिर साफ हो जाएंगे। इतना सारा है।